स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में लूसेंट जीके का 34वां भाग लेके आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस तरह की ढेर सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है और आपको उनका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि आप इस तरह की वीडियो का PDF भी डाउनलोड कर पाते हैं और आपको उस PDF का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। उससे पहले आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें। यहाँ पे देखिए, ये इसके लिए 34वां पार्ट है और इसके जो 33 पार्ट है हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है। अगर आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाते हैं तो आपको वहाँ पे सारे पार्ट क्रम वाइज तरीके से मिल जाएंगे। क्वेश्चन है कि मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है, मतलब कि जो मनुष्य खाना खाता है तो उसका पाचन होता है और इसके लिए जो पूरा सिस्टम काम करता है उसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। लेकिन ये जो पाचन क्रिया होती है ये वास्तव में शुरू कहाँ से होती है, तो ये शुरू हो जाती है मुख से ही। मतलब कि जब भी हम कोई खाना अपने मुंह में लेते हैं और जब वहाँ पे हम उसे चबाते हैं तो यहीं से पाचन क्रिया शुरू हो जाती है या कई सेक्शनों में होती है और मुंह में ही उस भोजन में एक लार मिलता है और यहीं से ये पाचन क्रिया शुरू होती है। अगला क्वेश्चन कि सिराए द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित किया जाता है, तो देखिए ये होता है, एक होता है सिराए, दूसरी होती है धमनियाँ। तो जो सिराए होती हैं ये अशुद्ध रक्त को लाती हैं और ले जाती हैं, मतलब कि जो अशुद्ध रक्त है इसका जो प्रवाहित होने का काम है सिराओं में होता है और इसी तरह शुद्ध जो रक्त होता है ये धमनियों में दौड़ता है। तो ये हृदय से रिलेटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। तो जो धमनी होती है उसमें प्योर ब्लड रन करता है और जो सिराए होती है उसमें अशुद्ध रक्त दौड़ता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, मतलब कि ऐसा विटामिन का नाम बताइए जो कि जल में घुल सकता हो, तो यह है विटामिन बी तथा सी। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और वैसे आपको बेसिक जानकारी के लिए भी इसे जानना चाहिए। अगर आप विटामिन बी और सी के अलावा ए और इसके अलावा और भी ई हो गया, इस तरह के विटामिन का टेबलेट अगर आप लेते हैं और इसकी मात्रा अगर आपके शरीर में ज़्यादा होती है तो वो आपको नुकसान पहुँचा सकता है। लेकिन अगर आप खास करके विटामिन सी या फिर विटामिन बी इनका टैबलेट या फिर अगर इनका जो भी सोर्स है, जैसे कि विटामिन सी का सोर्स हो गया आंवला, तो इस तरह का अगर आप आंवला ज़्यादा खा लेते हैं तो ये आपको कहीं नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कारण ये है कि इसका स्टोरेज आपके शरीर में होगा ही नहीं, ये होगा आपके जल में घुलनशील, मतलब कि आपके जो शरीर में जल है उसमें यह घुल जाएगा और आपके पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए जो भी आपका विटामिन सी का जो भी सोर्स है, जैसे कि आंवला या फिर जो भी खट्टे फल है, आप चाहे जितना ले लें ये आपको नुकसान नहीं करने वाला है। फिर भी आपको बस यहाँ से ये जानना है कि जो विटामिन बी तथा सी है ये जल में घुलनशील है। अगला क्वेश्चन कि एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं, तो देखिए बात हो रही है बायोलॉजी की। यहाँ पे आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, मोलस्का, इस तरह के कई ग्रुप होते हैं। तो अगर आपका जो बायोलॉजी है सब्जेक्ट नहीं रहा है तो आपको बस ये जान लेना है कि जो एनिलिडा होता है इसमें जो जोंक होता है या फिर इससे इस तरह के जो भी जंतु आते हैं, जोंक को आपने देखा होगा पतली सी होती हैं ऐसे लंबे लंबे, उसी तरह सेम टू सेम केचुआ भी होता है जिसे किसान का मित्र भी कहा जाता है। तो जोंक और केचुआ एनिलिडा ग्रुप में आते हैं। उसी तरह परीक्षा में कई बार पूछा गया है आर्थोपोडा ग्रुप के बारे में, तो आर्थोपोडा में आते हैं तिलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी। आप देखेंगे कि जिनके अधिक जो पैर हैं वे लोग आर्थ्रोपोडा ग्रुप में आते हैं। आप देख सकते हैं तिलचट्टा है, मच्छर है, खटमल है और मक्खी है। अब बात करें मोलस्का ग्रुप का, तो मोलस्का ग्रुप में आते हैं घोघा। घोघा आपने देखा होगा जो पानी में रहते हैं, उसी तरह सीपी, सीपी भी जो मोलस्का ग्रुप है इसी के तहत आती है। अब आगे बढ़ें तो अगला है इकाइनोडामेंट, इकाई इंडोमेंटा संघ। इसके में जो भी आते हैं जीव ये है तारा मछली और ब्रिटिल स्टार। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग के द्वारा होता है, तो अभी आपने देखा कि एनिलिडा मतलब क्या होता है, तो जोंक और केचुआ, मतलब कि जोंक और केचुआ में जो भी जीव आते हैं ये कहलाते हैं एनिलिडा ग्रुप के। अब यहाँ पे एनिलिडा का उत्सर्जन किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है, मतलब कि वो जो भी अपना उत्सर्जन करते हैं ये किस अंग द्वारा होता है, तो ये होता है नेफ्रिडिया से। अगला क्वेश्चन कि मूत्र का पीएच मान क्या होता है, ये होता है 6। पीएच मान के बारे में आपने जरूर सुना होगा, यह एक स्केल होती है
जीरो से लेके 14 तक इस पे पॉइंट होते हैं। इसका जो मिड पॉइंट है वो 7 है। यहाँ पे 0 से लेके 7 का मतलब ये होता है एसिड, मतलब कि अम्ल, और 7 से लेके जो 14 है यहाँ तक होता है क्षार, यानी कि बेस। तो यहाँ पे जो 7 से पहले आएगा उसे हम अम्ल कहेंगे, जो 7 के बाद जाएगा उसे क्षार कहेंगे। तो जो मूत्र होता है इसका पीएच वैल्यू होता है 6। अगला क्वेश्चन कि बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार, ये कौन से प्रकार की ग्रंथि होती है, मतलब किसमें होती है, ये होती है अग्नाशय में। अगला क्वेश्चन कि पीयूष ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि को कौन से अन्य नाम से जाना जाता है, ये ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि, इसको कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। अगला क्वेश्चन कि सोडियम का काम क्या होता है, सोडियम का काम क्या होता है, तो देखिए सोडियम जो होता है यह रक्त दाब, मतलब कि ब्लड प्रेशर, इसको कंट्रोल में रखता है और जल का संतुलन बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन कि पोटेशियम का काम क्या होता है, तो यह हृदय की धड़कन को और जो नाड़ी संस्थान है इनके कार्यों को संचालित करता है, मतलब कि जो आपका हार्ट है वो बीट कर रहा है इसको कंट्रोल करता है अगर कोई, तो यह है पोटेशियम। आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, जो ग्लूकोज होता है यह अगर ऑक्सीजन उपस्थित है तो उस समय मांसपेशियों में अगर कोई प्रतिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो ये बनाता है लैक्टिक अम्ल। और आपको अगर याद ना हो तो हम बता दें कि जो लैक्टिक अम्ल होता है जब ये आपके मांसपेशियों में इकट्ठा होने लगता है तब आपको थकान महसूस होती है। अगला क्वेश्चन कि ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या फिर ईस्ट से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, तो अगर बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होगी, तो ये बैक्टीरिया या फिर ईस्ट से प्रतिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करेगा। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी और उस समय यह मांसपेशियों से प्रतिक्रिया करेगा तो बनाएगा लैक्टिक अम्ल, और जब भी आपके मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल की मात्रा बढ़ेगी आपको जल्दी थकान हो जाती है। अगला क्वेश्चन कि स्प्रिंग को आप समानांतर लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगाने वाले बल को क्या कहते हैं, ये फिजिक्स से क्वेश्चन है। तो कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो स्प्रिंग होता है आपने देखा होगा इस तरह, इसे अगर अपनी लंबाई पे वापस लौटाना है तो आपको लगाना पड़ेगा प्रत्यानयन बल। लेकिन आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बता दें जो कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, कि मतलब कि एक स्प्रिंग है अगर वो दबा हुआ है, मतलब कि इसे हमने दोनों तरफ से फोर्स लगा के दबाए रखा है, तो इसमें कौन सा बल है, ये कई बार पूछा जा चुका है। तो इसमें देखिए जो एक होता है गतिज ऊर्जा, दूसरा होता है स्थितिज ऊर्जा, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा है, लेकिन जब इसे हम दोनों तरफ का बल रिमूव करेंगे तो जो इसमें स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। आपको पता होगा कि जो ऊर्जा है कभी भी इसे हम ना तो उत्पादन इसका कर सकते हैं ना तो इसे खत्म कर सकते हैं, केवल इसका एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसपोर्ट हो सकता है। देखिए कई बार क्वेश्चन इससे भी बनते हैं कि अगर हमें मतलब कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना होगा तो हम क्या यूज करेंगे, इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर हमको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना है तो हमें जनरेटर यूज करना पड़ेगा। जनरेटर क्या करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। उसी तरह अगर आपने देखा हो लाउड स्पीकर मतलब कि जिससे हमको अपना आवाज सुनाई देता है, तो लाउड स्पीकर क्या करता है, तो लाउड स्पीकर जो होता है ये विद्युत ऊर्जा को, ध्यान से सुनिए याद हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करते रहता है। इसी तरह जो माइक होता है ये क्या करता है, तो माइक जो ध्वनि ऊर्जा होती है इसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो आपने इस तरह का प्रश्न जरूर देखा होगा अगर आपने दो तीन पेपर दिया है। तो बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन कि पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन होता है, तो ये होता है कंपोस्ट। कंपोस्ट होता है जो कि आप इसे गोबर से घर पे भी बना सकते हैं, तो ये होता है सबसे अच्छा उर्वरक। वैसे आपको बता दें कि जो हम यूरिया यूज करते हैं जिसे हम मार्केट से लाते हैं उसमें नाइट्रोजन का 46% रहता है। अब आपको पता है कि जो वायुमंडल है इसमें 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और बाकी 1% जो बचा है इसमें अन्य गैसें हैं। 78% नाइट्रोजन होने के बावजूद भी हमारे खेतों में 96% नाइट्रोजन डालना पड़ता है, आखिर क्यों? तो देखिए ये जो नाइट्रोजन है ये किसी और रूप में होता है, इसे पौधे इस रूप में नहीं ले सकते, इसीलिए हमें नाइट्रोजन यूज करना पड़ता है यूरिया के माध्यम से।
इसीलिए कहा जाता है कि जब भी किसी खेत की उर्वरा क्षमता कम हो जाए तो वहाँ पे उस खेत में मटर बोना चाहिए। अब मटर क्या काम करता है, तो देखिए जो मटर या फिर जो दलहनी फसलें होती हैं ये वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेकर के उसे नाइट्रेट में कन्वर्ट करके ज़मीन में डालती हैं और आने वाले फसलों के लिए आपकी जो धरती है, आपकी जो भूमि है वो उपजाऊ हो जाती है। अगला क्वेश्चन कि पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। चट्टानें खास करके तीन प्रकार की होती है, तो जो इसमें से अवसादी होती है उसमें पाया जाता है पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन कि गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो गुब्बारों को उड़ाने के लिए हम यूज करते हैं हीलियम। आखिर हीलियम ही क्यों, तो हीलियम को यूज करने का बस कारण एक ही है कि इसमें जल्दी आग नहीं लगती है। अगर यहीं पे आप हाइड्रोजन यूज करेंगे तो वहाँ पे जल्दी आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और हीलियम सबसे हल्की गैस है। तो हल्की गैस होने से ये मतलब है कि सबको पता होगा कि अगर एक रूम है तो इसमें जो भी हल्की गैसें होंगी ये हमेशा ऊपर जाती हैं, तो हीलियम है एक हल्की है और ये वायुमंडल में हमेशा ऊपर भागती है, तो इसीलिए अगर किसी भी चीज़ में आप हीलियम फील कर देते हैं तो वो हमेशा ऊपर जाएगा। इसी तरह एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो जहाज होते हैं मतलब एरोप्लेन, इसके टायरों में कौन सा गैस भरा जाता है, तो वो भी हीलियम ही होता है। आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है कि लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। ये लोहा मतलब कि एक टेबलेट आता है आयरन का, उस लोहे की बात हो रही है या एक मिनरल की बात हो रही है, तो लोहे का मुख्य स्रोत है हरी सब्जियां। अगला क्वेश्चन कि गैसोलीन को किसके साथ मिलाने पर गैसोहाल बनाया जा सकता है, तो ये है इथाइल एल्कोहल। अब यहाँ पे जो इस तरह के एथेन मेथेन है, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर किसी के बारे में पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है मेथेन के बारे में। मेथेन मतलब कि CH4, जिसे हम मार्स गैस के बारे में भी, मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। ये चट्टा मतलब कि जो खदानें होती थी उसमें पाया जाता था, और ये है CH4। कई बार इसका ना मतलब कि रासायनिक सूत्र भी आपसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन कि तात्कालिक ऊर्जा अगर आपको चाहिए या फिर किसी को चाहिए तो उसे क्या देना चाहिए, खास करके जो धावक होते हैं जिनको कि मतलब कि बूस्ट एनर्जी चाहिए तो उन्हें देना चाहिए ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन कि मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है, जो ओजोन परत है ये पराबैंगनी किरणों को धरती पर आने से रोकती है, इसीलिए यह मानव जाति ही नहीं पूरे धरती के लिए महत्वपूर्ण है। ओजोन मतलब कि आप देखेंगे कि ये O3 होता है, यह एक लेयर है धरती के बाहर, और इसका काम यह है कि जो पराबैंगनी किरणें आती हैं सूरज से उसे रोके, और यहाँ पे उन्हें छान करके जो उसमें से अशुद्ध किरणें हैं उन्हें धरती पे आने से रोके, क्योंकि अगर ये किरणें आ जाएंगी धरती पे तो हमें कई तरह के जो त्वचा वाले रोग हैं वो हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो वातावरण में इस समय प्रदूषण हो रहा है, ये प्रदूषण इसी पराबैंगनी जो लेयर है मतलब पराबैंगनी लेयर को रोकने के लिए जो ओजोन परत है उसको खराब कर रहा है, और अगर यही हाल रहा तो कुछ दिनों में ये पराबैंगनी कीड़े धरती पर आ जाएंगी और ये पूरा मानव जाति ही नहीं समूचे धरती के लिए विनाश का कारण होगा। अगला क्वेश्चन कि DDT इसका उपयोग किस रूप में किया जाता है, ये किया जाता है कीटनाशक के रूप में। अगला क्वेश्चन कि इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है, मतलब कि अगर आप इथेनॉल लेते हैं तो आपके शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होगा, तो यह है यकृत। अगला क्वेश्चन कि सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ क्या होता है, तो यह है H2। मतलब कि अगर आपको नहीं पता कि यहाँ पे जो दिया गया है इसमें से कौन अम्ल है कौन क्षार है, तो एक तो अगर आपको कोई कटोरे में मिल जाता है या फिर गिलास में मिल जाता है तो इसे चेक करने का काम यह है कि अगर आप इसमें जो नीला लिटमस है, अगर इसे आप इसमें लिटमस पेपर को डालेंगे तो लाल हो जाएगा, तो उससे पता चल जाता है कि ये अम्ल है। लेकिन अगर आपको कोई रासायनिक फार्मूला दे दिया गया हो और पूछा जाता है कि ये अम्ल है कि क्षार है, तो अगर उसमें H2 है तो जाहिर सी बात है कि वो अम्ल होगा, अगर उसमें OH है तो जाहिर सी बात है कि वो क्षार होगा मतलब कि बेस होगा। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि आग लगने पर तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है, ये होती है सूती में। सूती में देखिए एक तो पहले आग लगती नहीं है जल्दी, अगर सूती के कपड़े को आप जलाएंगे तो जल्दी से ये आग चारों तरफ नहीं फैलती है। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपको यह वीडियो कैसी लग रही है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और आप इसका PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि ट्रायोपैड मतलब कि आत ज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग में लाई जाने वाली औषधि कौन सी है। आत ज्वर एक तरह का एक ज्वर है, तो इसमें जो यूज किया जाता है क्लोरोमाइसिजिन।
अगला क्वेश्चन कि गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं। तो मतलब कि गैस, अगर आपने गैस वेल्डिंग देखा होगा तो उसमें आपको एक फ्लो दिखता है, लौ दिखती है। तो इसमें जो लौ होता है, इसमें जो सबसे हीट पोर्शन है, इसको क्या कहेंगे? तो इसे कहते हैं नॉन ल्यूमिनस जोन। अगला क्वेश्चन कि सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो जो सोना होता है, अगर यह पूर्णतः शुद्ध होगा तो ये होगा 24 कैरेट का। कभी कभी परीक्षा में पूछा गया है, और आपके लिए भी ये क्वेश्चन है कि अगर 50% कोई सोना शुद्ध है तो वो कितने कैरेट का होगा। ये आपके लिए क्वेश्चन है, और आप इसका उत्तर हमें कमेंट करके बताइए। अगर सोना 50% शुद्ध है तो उसका कैरेट कितना होगा। अगला क्वेश्चन कि सीने बार किसका अयस्क है। तो सीने बार है पारा का अयस्क। अब देखिए यह अयस्क क्या होता है, ये भी आपको जानना चाहिए। अयस्क का मतलब ये होता है कि जो भी हम धरती से प्राप्त करते हैं, खास करके पेट्रोलियम, एल्युमिनियम या फिर लोहा, जो भी हम प्राप्त करते हैं वो हमें उस रूप में नहीं मिलता है जो आप देख रहे हैं। खास करके अगर बात करें एल्युमिनियम की, तो ये इस रूप में नहीं मिलता है जो आप देख रहे हैं, ये मिलता है बॉक्साइट के रूप में। तो जो हमें कच्चा पदार्थ मिलता है उसे कहते हैं अयस्क। मतलब किसी भी चीज़ को ऐसा कहा जा सकता है जो कि हमें धरती से मतलब उसी रूप में मिला हो। अगला क्वेश्चन कि शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। ये होता है रक्त कणिकाओं द्वारा, जो कि होती हैं रेड, लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि कशेरुक दंड में कितनी हड्डियाँ होती है। कशेरुक दंड ये होती हैं 33, बात हो रही है रीढ़ की हड्डी की। अगला क्वेश्चन BCG का पूरा नाम क्या है। तो BCG का पूरा नाम है बैसिलस कैलमेटे ग्यूरिन। अगला क्वेश्चन कि एथलीट फूट नामक बीमारी होती है ये किसके द्वारा होती है। एथलीट फूट ये कई बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो ये होता है कवक द्वारा। अगला क्वेश्चन कि अस्थमा मतलब कि दमा नामक रोग किसके कारण होता है। ये होता है कवक द्वारा। देखिए कौन सा रोग किसके कारण होता है, इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है, अगर आपने देखा हो। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन कि फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है। ये होता है ओर्म मतलब कृमि के कारण। अगला क्वेश्चन कि जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दोगुनी की जाती है तो उसकी जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गतिज ऊर्जा ना लिख के वेग होना चाहिए। जब किसी वस्तु की वेग को दोगुना किया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, होता है 1/2 mv². अब यहाँ पे अगर जो वेग है इसको दोगुना कर दिया जाए तो आप देखिए यहाँ पे भी है, अगर यहाँ पे हम 2 भी रखते हैं तो क्या डिफरेंस आता है। तो इसे आप देखेंगे कि ये 1/2 m⁴ v हो जाएगा, 4v². तो यहाँ पे केवल v² था, यहाँ पे 4v² हो गया, यानी कि ये कितना गुना हो गया, तो 4 गुना। मतलब कि यदि किसी वस्तु की वेग को हम दोगुना करेंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा कितना होगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन कि सूत्र कणिका को अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है। तो ये है माइटोकांड्रिया। अगला क्वेश्चन कि बट वृक्ष पादपों ये कौन से वर्ग में आते हैं। तो ये आते हैं आवृतबीजी में। आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है कि फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट मतलब कि वन की उजाला का अर्थ क्या है। तो वन की उजाला मतलब कि फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, इसका अर्थ ये है कि ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में भी फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। आपको पता है कि हमेशा एक पतझड़ आता है साल में एक बार, सारे जो पत्ते होते हैं हट जाते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है उस समय भी फूल लगे रहते हैं, तो इसे कहते हैं वन की ज्वाला। तो वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, अभी वीडियो बाकी है, तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन किसके द्वारा बनाया जाता है। ये होता है कवक। लाइकेन की दो जीवधारियों का सहजीवी साचार समझा जाता है, वो दो जीव कौन से हैं। तो ये है शैवाल तथा कवक। अगला क्वेश्चन कि आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी से काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है। एगार की बात हो रही है तो ये पाया जाता है शैवाल से। लौंग किससे प्राप्त होता है, तो ये होता है पुष्पकली से। देखिए ये कैसा क्वेश्चन है, तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि मतलब कि जो लौंग हम यूज करते हैं मसालों में वो क्या होता है, फूल होता है, पेड़ होता है, फल होता है। तो जो हम लौंग यूज करते हैं वो फूल होता है। अगला क्वेश्चन कि अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय
पूर्ववर्ती के पाछा शर्करा मतलब कि ग्लूकोज या मधुजन मतलब कि ग्लाइकोजन बनने की विधि का क्या नाम है। मतलब कि अगर व्यक्ति कई दिनों तक अनशन में है, उपवास में है, तो उसका जो शुगर लेवल है बढ़ने लगता है, तो इसके होने का क्या मतलब है। तो इसके जो ये बनने लगता है, इस विधि का नाम है ग्लूकोन वजनन। अगला क्वेश्चन कि सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला वह कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। तो यह है न्यूक्लिक अम्ल। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके लिए दूसरा क्वेश्चन, आप हमें कमेंट करके बताइए कि जीव विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है। जीव विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान कहाँ पर स्थित है। तो यह है कटक में। कटक मतलब कहाँ, तो उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन कि सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है। तो ये होती हैं फुसफुस धमनियाँ। तो फुसफुस धमनियाँ होती हैं ये जो रक्त होता है उसको ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक पहुँचाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि कृत्रिम गुदा होता है वो कौन से सिद्धांत पे काम करता है। तो ये काम करता है अपोहन के सिद्धांत पे मतलब कि डायलिसिस के सिद्धांत पे। ये जो आपका ब्लड है उसको हमेशा डाइवर्ट करता रहता है, चेंज करता रहता है। अगला क्वेश्चन कि एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या फिर भूरा उस वर्ण पिगमेंट पर आश्रित है, यह किस में पाया जाता है। मतलब कि आप देखेंगे कि किसी किसी व्यक्ति के आंखों का रंग काला होता है, जो उसमें पुतली होती है, या फिर नीला होता है, या फिर भूरा होता है, तो ये कहाँ से कन्वर्ट होता है। तो ये होता है उनके आयरिस में, ये आयरिस में कलर होता है। अगला क्वेश्चन कि जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है। तो ये होता है नेत्र श्लेज्मा। जब आंख में धूल चली जाती है तो ये हिस्सा सूज जाता है। अगला क्वेश्चन कि कौन से वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबल पुरस्कार दिया गया था। तो ये थे मेल्विन कैल्विन। और आज के लिए आपका तीसरा क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको मिला था। उनका नाम है आर से शुरू होता है, 1913 में मिला था, और ये मिला था साहित्य के फील्ड में। आपको उनका नाम हमें कमेंट करके बताना है। भारत में जो नोबेल पुरस्कार है सबसे पहले किसको मिला था। अगला क्वेश्चन कि किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट होती है। तो अभी हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, यह है लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन कि कौन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों में प्रतिरोध पैदा करता है। तो यह है लिम्फोसाइट। देखिए आपके शरीर में अगर सबसे अच्छा कोई फैक्टर है तो ये है आपकी शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है। जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है जितना मजबूत रहेगी उतना ही आपके शरीर पे रोग नहीं होंगे। अगर ये रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है तभी आपके शरीर में ज़्यादा रोग होते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो RBC है मतलब कि रेड ब्लड सेल, ये मतलब इसका टाइम पीरियड कितना होता है, इसका जीवन काल कितना होता है। ये होता है 120 दिन। मतलब कि जो खून RBC आपका आज बना है वो 120 दिन बाद खराब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है। मतलब कि अगर बताना है कि यह वृक्ष कितने साल का है तो कैसे पता चलेगा, तो ये पता चलेगा उसके वलयों को काउंट करके। अगला क्वेश्चन कि जल संवर्धन मतलब कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है। तो अगर बिना मिट्टी के आप पौधे उगाते हैं तो इसे कहते हैं जल संवर्धन। आपने देखा होगा कई जगह जो गमले में पौधे होते हैं केवल जल में होते हैं, वहाँ मिट्टी नहीं होती है। तो इस तरह को क्रिया होती है उसको कहते हैं जल संवर्धन। अगला क्वेश्चन कि कौन से वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। तो अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है ग्रेगर जान मेंटल को। और इन्होंने किस पे ये प्रयोग किया था, तो ये था मटर। अगला क्वेश्चन है किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है। मतलब कि जो बच्चा है वो मेल होगा कि फीमेल होगा, ये डिपेंड किस पे करता है। तो ये डिपेंड करता है पिता पे। मतलब कि जो पिता और माता हैं उनमें से जो पिता है इन्हीं पे डिपेंड करता है कि जो बच्चा होगा वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। अगला क्वेश्चन कि मनुष्यों में गुण सूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो ये होती है 46 या फिर 23 जोड़े। कई बार ऑप्शन बनते हैं और आप उसमें फंस जाते हैं। ऑप्शन बन जाएगा कि 46 जोड़े, तो आप देखेंगे कि 46 हमने पढ़ा था तो आपने 46 को ट्रिक मार दिया जो कि गलत है। या तो आपको 46 पे ट्रिक करना है या फिर 23 जोड़े पे ट्रिक करना है। परीक्षा के जल्दबाजी में लोग अक्सर गलती कर जाते हैं। अगला क्वेश्चन कि बच्चे के दूध पीते समय अस्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है। जब बच्चे दूध पीते हैं तो ये दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है, ये होता है ऑक्सीटोसिन के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि निषेचन सामान्यतः कहाँ पे होता है निषेचन, तो ये होता है डिम्बवाहिनी नली में, जिसको हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? मतलब कि जो वृषभ मतलब कि जो बैल का वीर्य होता है उसे कहाँ हम रखते हैं ताकि वो खराब ना हो? तो इसे रखा जाता है द्रव नाइट्रोजन में। अगला क्वेश्चन, कौन से पादप का फूल सबसे बड़ा होता है? तो ये होता है रैफलेसिया का, ये सबसे बड़ा फूल है। और आज के लिए आपका चौथा क्वेश्चन, आप सबसे बड़े पक्षी का नाम हमें कमेंट करके बताइए। जो सबसे बड़ा पक्षी है वो कौन सा है और नाम इसका यश से शुरू होता है, आप इसका नाम हमें कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है कि असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन सा है? तो ये है कटहल और नारियल। अगला क्वेश्चन कि जो लोग मक्का को मुख्य रूप से अनाज की तरह लेते हैं उनमें क्या मिलता है? मक्का, मक्का आपने देखा होगा, अगर उत्पादन की बात करें तो ये अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे इसमें होता है B1। अगला क्वेश्चन है, किसी सदिश राशि का परिमाण कभी नहीं हो सकता है? जो सदिश राशि होती है इसमें परिमाण अनिवार्य होता है, तो इसका परिमाण कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन कि कपास रेखा किससे प्राप्त होती है? जो कपास की रेशा होती है ये बीजों से मिलती है, जो बीज होते हैं उन जब फटते हैं तो उसमें से रेशा निकलता है। अगला क्वेश्चन कि ताजे निकले सूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है, क्यों? तो क्योंकि जो जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मूत्र होना चाहिए, यहाँ पे मिस टाइपिंग है। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं होती है लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसे तेज गंध आने लगती है, तो इसका कारण यह है कि जो उसमें जीवाणु होते हैं यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब कि जब आपके शरीर से निकलता है तो यूरिया होता है और यूरिया उतना खास गंध नहीं देता लेकिन जो जीवाणु होते हैं वो इसे यूरिया को अमोनिया में मतलब NH3 में कन्वर्ट कर देते हैं, और जब ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है तो गंध देने लगता है। अगला क्वेश्चन, किस मछली में शल्क नहीं होते हैं? तो ये है कैट फिश। अगला क्वेश्चन कि ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती हैं? तो इनका कारण है उनका वातावरण, मतलब कि उनको उसी लायक बनाया गया है। अगला क्वेश्चन कि सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? तो ये है WM स्टेनले। अगला क्वेश्चन कि ग्रेगर जान मेंटल ने कौन से पौधे पे अनुवांशिकी का प्रयोग किया? तो ये है मटर का पौधा, अभी हमने आपको बताया है। लिटमस किससे मिलता है? तो ये मिलता है लाइकेन से। अगला क्वेश्चन कि मलेरिया के उपचार की दवा किससे पाई जाती है? जो मलेरिया होता है इसके उपचार के लिए एक पौधे से हम दवा लेते हैं, तो ये है सिनकोना का पौधा। अगला क्वेश्चन कि अफीम जो एक पादप उत्पाद है ये किससे प्राप्त होता है? तो ये होता है सूखे लेटेक्स से। अगला क्वेश्चन कि वाणिज्यिक कमर्शियल मतलब कि यहाँ पे देखिए आप काग है, ये किसके छाल से मिलता है? तो ये होता है ओक, अगर आपने देखा हो ओक का। अगला क्वेश्चन कि पश्मीना बकरी कौन से नस्ल से प्राप्त होती है? तो ये होता है चंगथंगी नस्ल से। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि मवेशियों में बाजपन कौन से रोग के कारण होता है? बाजपन, तो ये होता है बेग रोग के कारण। अगला क्वेश्चन कि ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो ये होता है 760 मील प्रति घंटा। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो ये है बॉक्साइट। अभी हमने आपको बताया कि बॉक्साइट होता है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क, मतलब कि जो एल्युमिनियम होता है ये बॉक्साइट के रूप में ही धरती में पाया जाता है, और धरती में जो भी पदार्थ पाए जाते हैं जिस रूप में उसे हम कहते हैं अयस्क। अगला क्वेश्चन कि अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः कौन से बीमारी से मरते हैं? तो ये होता है सिरोसिस, सिरोसिस से मरते हैं। अगला क्वेश्चन कि राइबोजोम मतलब राइबोसोम किसका कार्य करता है? तो ये करता है प्रोटीन का संश्लेषण। अगला क्वेश्चन कि मरुस्थल में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मरुद्भिद। और आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि भोपाल में जो 1984 में गैस लीक हुई थी जिसमें कि हजारों लोग मर गए, ये कौन सी गैस थी? तो ये थी मिथाइल आइसोसाइनाइड मतलब कि MIC। ये घटना कब हुई थी ये भी कई बार पूछा जाता है, तो 1984 में। तो आगे बढ़ें, और उससे पहले अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो इसे ज़रूर लाइक करिए, और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। अगला क्वेश्चन, किस शैवाल से आयोडीन मिलता है? तो ये है लैमिनेरिया। अगला क्वेश्चन, कि एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? तो ये होता है 6.6.023 × 10^23।
अगला क्वेश्चन, कि दाब बढ़ाने पर तरल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर कोई तरल है और आप उसमें फोर्स बढ़ाते हैं तो इसका क्वथनांक होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, कि जो मनुष्य का शरीर है इसमें रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? ये करता है RBC। अभी आपने देखा ये केवल 120 दिन तक जीवित रहता है। रेड ब्लड सेल्स इसका फुल फॉर्म होता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? ये है A, B, E और K। मतलब कि खास करके जो सी होता है यही केवल जल में घुलनशील होता है। अगला क्वेश्चन, कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो ये की गई है मथुरा के पास मखदूम में। अगला क्वेश्चन, कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो ये है बीकानेर में, मतलब कि कहाँ पे, राजस्थान में। दालचीनी कहाँ से मिलता है? मतलब कि जो दालचीनी आप यूज करते हैं वो क्या होता है? जैसे कि अभी आपसे पूछा गया था कि लौंग आप यूज करते हैं वो क्या होता है, तो लौंग होता है फूल, तो दालचीनी क्या होता है, तो वृक्षों का छाल होता है। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है इलायची को। फूलों का अध्ययन अगर आप करते हैं तो इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे कहा जाएगा एंथ्रोलॉजी। अगला क्वेश्चन, कि पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है मिट्टी का। अगला क्वेश्चन, कि सिस्टेमिवा नेचर किसकी पुस्तक है? तो ये है कार्ल लिनियस की। और अगला क्वेश्चन, कि दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? मतलब कि जो दूध दही के रूप में कन्वर्ट हो जाता है इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है लैक्टोबैसिलस। अगला क्वेश्चन, कि विषाणु में क्या होता है? ये होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। क्वेश्चन, कि फूट एंड माउथ ये रोग किसके कारण होता है? तो ये होता है विषाणु के कारण। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, हमें कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। आप इसका PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। इसी तरह की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।